इंडिया पाकिस्तान की मैच में लोगों को बड़े बड़े झंडे के साथ वंदे मातरम गाते हुए सुना है, या फिर ओलंपिक्स में जब इंडिया मेडल लाती है तो पीछे नेशनल एंथम बजता है और ऊपर हमारा इंडियन फ्लैग लहराता है तो गूज़बम्स आते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या है इस एंथम सॉन्ग या फ्लैग में कि सडनली सारे सिटीजन्स हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से इंडियंस बन जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं? तो ये सॉन्ग एंथम और फ्लैग हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, सबके होते हैं, और एज एन इंडियन हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए टू मेक यू गाइज अवेयर ऑफ आर नेशनल सिंबल्स, आई स्वाति वेलकम यू ऑल इन लर्न विद सिनोलॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी देश की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका फ्लैग, इसीलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बाय आर नेशनल फ्लैग तिरंगा, जो कि ऑफिशियली अडैप्ट किया गया ऑन 15th August 1947 और तिरंगा कहलाया उसके तीन रंगों के वजह से, सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन। सैफ्रन जो कि रिजेंबल करता है स्ट्रेंथ एंड सैक्रिफाइस, वाइट जो कि रिजेंबल करता है प्योरिटी, और ग्रीन जो कि रिजेंबल करता है ग्रोथ एंड फर्टिलिटी, और बीच में होता है अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं जो कांस्टेंट मूवमेंट इन लाइफ को दर्शाता है। तिरंगे का लेंथ और विड्थ का रेशियो हमेशा 3:2 में होना चाहिए, और हमारा जो ध्वज है वो पिंगली वेंकैया के स्वराज फ्लैग पे बेस्ड है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, द राइट टू मैन्युफैक्चर द फ्लैग इज हेल्ड बाय खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और इंडियन फ्लैग का यूसेज, डिस्प्ले और होइस्टिंग सब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है जो 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर आता है नेशनल एम्बलम, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जिसे अडैप्ट किया गया सारनाथ के अशोका स्तंभ से ऑन 26 जनवरी 1950। सर्कुलर अबाकस में चार शेर बैक टू बैक खड़े हैं। इस अबाकस में बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायंस भी देखने को मिलते हैं जो सेपरेटेड हैं धर्म चक्र से। नीचे हमें सत्यमेव जयते का मोटो भी दिखता है। नेक्स्ट है नेशनल एंथम जनगणमन। ओरिजिनली ये बंगाली में लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1905। ओरिजिनल पोएम को हिंदी में कन्वर्ट किया गया बाय अबिद अली, और 1911 को ये पब्लिकली गाया गया एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। 52 सेकंड के इस एंथम को नेशनल एंथम का टैग मिला ऑन 24 जनवरी 1950। फिर आता है हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। 1875 में इसे पहली बार संस्कृत में लिखा गया था बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, और ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। 1896 को रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पब्लिकली कांग्रेस सेशन में गाया था, और ये अडैप्ट किया गया था ऑन 24 जनवरी 1950। तो ऐसे ही स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस अगर आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो क्विकली गो एंड चेकआउट आवर कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। नेक्स्ट सिंबल है रॉयल बंगाल टाइगर, हमारा नेशनल एनिमल। सो इंटरेस्टिंगली 1972 तक लायन हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था, लेकिन टाइगर के घटते पॉपुलेशन को रोकने के लिए 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर अनाउंस किया गया, और उसी के अंतर्गत टाइगर हमारा नेशनल एनिमल बन गया। उसका साइंटिफिक नाम है ये, और अपने स्ट्रेंथ के चलते वो ना सिर्फ इंडिया का नेशनल एनिमल है बल्कि मलेशिया, साउथ कोरिया और बांग्लादेश का भी है। हमारे देश में सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? मोर, पीकॉक, हमारा देश का नेशनल बर्ड जिसका साइंटिफिक नाम है ये, और उसे नेशनल बर्ड का टैग मिला 1963 को तीन कारणों की वजह से। पहला, ब्यूटी एंड ग्रेस। दूसरा, ये देश के कई राज्यों में पाया जाता था। और तीसरा, ये किसी और देश का नेशनल बर्ड नहीं था, लेकिन इतने सुंदर पक्षी का भी लोग हंटिंग करते थे, इसलिए ऐसे ही बर्ड्स और एनिमल्स का हंटिंग रोकने के लिए 1972 को लाया गया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आजकल कमल कई जगह खिल रहा है ना, क्यों ना खिले हमारा नेशनल फ्लावर जो है। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है जो कि इस फैमिली को बिलोंग करता है, और उसका साइंटिफिक नाम है ये। ये एक ऐसा फूल है जो कीचड़ में खिलकर भी प्योर रहता है, और ठीक इसी रीजन से इसे 1950 को नेशनल फ्लावर डिक्लेयर किया गया। लोटस का सिग्निफिकेंस हमें अपने हिंदू माइथोलॉजी और बुद्धिज्म में भी देखने को मिलता है। आपको अपने देश का नेशनल ट्री पता है? बरगद, बनियान ट्री, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नाम है ये, और अपने हिंदू माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के वजह से और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के वजह से बरगद को नेशनल ट्री 1950 में घोषित किया गया। और कई सारे नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे हमारे देश के नेशनल रिवर है रिवर गंगा, जो 2510 किलोमीटर बड़ी है और गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है। नेशनल करेंसी है इंडियन रूपी, जो गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की गई ऑन 15 जुलाई 2010। नेशनल हेरिटेज एनिमल है एलिफेंट, जिसका साइंटिफिक नाम है ये, और उसे डिक्लेयर किया गया 2010 में। वैसे ही नेशनल फ्रूट है मैंगो, जिसका साइंटिफिक नाम है ये, और 1950 में इसे भी डिक्लेयर किया गया था। नेशनल रेप्टाइल है किंग कोबरा विद दिस साइंटिफिक नेम, और नेशनल एक्वाटिक एनिमल है डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नेम ये है। डॉल्फिन को एक्सटेंशन से बचाने के लिए उसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था 2009 में। ये सारे सिंबल्स के बावजूद इंडिया का कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड नेशनल गेम नहीं है, लेकिन कई समय तक हॉकी को नेशनल गेम माना जाता था बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम्स एंड द पॉपुलैरिटी दैट वाज एसोसिएटेड टू दिस गेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशंस, आपको ये बताना है कि हमारे देश के नेशनल कैलेंडर का नाम क्या है।
क्विकली कमेंट योर आंसर्स ऑन कमेंट सेक्शन. डू नॉट फॉरगेट टू गिव आइडियाज फॉर आर अपकमिंग वीडियोज. अंटिल देन कीप लर्निंग.